हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर टू विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग। दिस चैप्टर इज रिटन बाय द ऑथर एल ए हिल। यहाँ आ जाएगी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे की, ब्रीफ समरी क्या है एसे की। जो बेसिकली चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग के बारे में बताता है कि हमें एक अच्छा मटेरियल हम कब लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए इस चैप्टर के अंदर ऑथर एल ए हिल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देखो ना, अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट प्रिंसिपल है गुड राइटिंग इज दैट वी शुड राइट क्लियरली और लॉजिकली। लिखना, सबसे पहली बात हमने क्लियरली और लॉजिकली लिखना होता है। और हम क्लियरली और लॉजिकली कब लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम उस चीज़ के बारे में क्लियरली सोचेंगे और लॉजिकली सोचेंगे। और हम ये कब सोच सकते हैं, हम ट्रेन अपने माइंड को कैसे कर सकते हैं टू फोकस ऑन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, पर्टिकुलर सिचुएशंस पे हम चीज़ को फोकस करके हम उस चीज़ के बारे में क्लियरली सोचेंगे। मतलब डेप्थ की बात करी जा रही है। अगर मैं ये सोचूँ ये पेन है, पेन के बारे में मैं डीप सोचूंगी, ये पेन के अंदर ये इंक है, ये सब कुछ है इसके बारे में मुझे। फिर मैं अगर लिखना चाहूँ पेन के बारे में तो मैं एक अच्छा मटेरियल प्रोडक्ट को पेश कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इज़ टू इंक्रीज़ आवर वोकैबलरी एंड इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। हमें अपनी वोकैबलरी को इंक्रीज़ करना होगा और अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को भी इम्प्रूव करना होगा, जब भी हम अच्छी चीज़ गुड मटेरियल गुड प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना। हिल सेज़ दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस। कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे अपनी वोकैबलरी और इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को, रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू डेवलप द एबिलिटी टू राइट वेल इन ऑर्डर टू नो वट थिंग्स टू राइट अबाउट। हमें पता होना चाहिए हम किस बारे में लिख रहे हैं। वी शुड कीप आर आइज एंड ईयर्स ओपन, मतलब कि उस चीज़ के बारे में हमें सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। द प्रोज एंड कॉज ऑफ पर्टिकुलर थिंग एंड मटेरियल, जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, एक अगर हम किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ चाइल्ड लेबर के बारे में, तो मैं मुझे पहले पता होना चाहिए चाइल्ड लेबर होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये शुरू कैसे हुआ था। जब मुझे उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा तभी तो मैं अच्छा लिख सकती हूँ ना। तो यही चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग की। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग है इज़ दैट वी शुड हैव अ वार्म एंड सिंपथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड अस, कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, अगर मैं अपना मटेरियल किस तरीके के लोग मेरा मटेरियल पढ़ेंगे, हमने उनके बारे में सोच के लिखना होता है। देन वी कैन ऑलवेज फाइंड इन दैम समथिंग टू राइट अबाउट। वी शुड राइट ऑन दोज सब्जेक्ट्स ओनली अबाउट विच वी हैव पर्सनल नॉलेज, जो उस चीज़ की पर्सनल नॉलेज होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चाइल्ड लेबर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक हो, द सब्जेक्ट वी वॉन्ट टू राइट, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लिखना चाहते हैं, द सब्जेक्ट वी वॉन्ट टू राइट अबाउट शुड बी मेड वेरी क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैरा में हमने क्या लिखना होता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। देखो, आप पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। द सॉलिड आर्गूमेंट शुड बी गिवन इन सपोर्ट ऑफ आर व्यू एंड द लास्ट जो पैराग्राफ है शुड बी लीव द रीडर विद अ क्लियर आइडिया होना चाहिए। एंड जो लास्ट पैराग्राफ होता है शुड लीव द रीडर विद अ क्लियर आइडिया ऑफ वट वी हैव बीन सेइंग, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हिल सेज दैट टू बी अ गुड राइटर, गुड राइटर होने के लिए वी शुड फॉरगेट आर सेल्फ, हमें अपने बारे में भूल जाना चाहिए। वी शुड थिंक ऑफ द रीडर ओनली, हमें सिर्फ रीडर के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड नेवर राइट अबाउट अ पर्सनल प्रॉब्लम्स, हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर। वी शुड राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, जो अदर फेस करें, क्योंकि हम अपना मटेरियल खुद थोड़ी पढ़ेंगे, हमारा मटेरियल कौन पढ़ेगा, सामने वाला पढ़ेगा, रीडर्स पढ़ेंगे, तो हमें उनके बारे में सोच के लिखना होता है, अपने बारे में सोच के नहीं। एंड वी शुड नेवर ट्राई टू मेक एन इम्प्रेशन, उन पर कोई इंप्रेशन जानने की जरूरत नहीं है, उन पर इंप्रेशन बनाने के लिए नहीं लिखना होता है। वी शुड राइट ओनली वट वी सिंसियरली फील टू बी राइट, जो हम सिंसियरली फील, सच्चे रूप से हम फील करते हैं, हमें वही लिखना चाहिए अपने मटेरियल में। देयर शुड बी नो आर्टिफिशियलिटी इन आर स्टाइल, आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए अपने स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रिंसिपल बोलते हैं वो हिल, वी शुड नॉट कॉपी द स्टाइल ऑफ अदर्स, हमें दूसरों के स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू राइट इन सिंपल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं वैसे स्टाइल में लिखना चाहिए। एंड आर स्टाइल शुड बी द सेम थ्रू आउट वट एवर वी आर राइटिंग, ये नहीं आप फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे लिख रहे हैं बिल्कुल फॉर्मल और लास्ट पैराग्राफ में आते हुए आपने इनफॉर्मेलिटी शो करना शुरू कर दिया, पहले फॉर्मल थे लास्ट में इनफॉर्मल हो गया, पहले इनफॉर्मल थे फिर फॉर्मल हो गया, ऐसे नहीं। हमारा स्टाइल हमेशा सेम होना चाहिए।
लास्टली वी शुड रीड आर पीस क्रिटिकली आफ्टर भी, उसके बाद हमने लिखने के बाद हमें अपना जो पीस ऑफ मटेरियल है उसे क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, उसे पढ़ना होता है आफ्टर वी हैव फिनिश्ड इट, एंड एनी वीक वेग और इन एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे शुड बी रिप्लेस, उन्हें चेंज कर दो, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। आर वर्ड शुड से एग्जैक्टली वट वी मीन, हमारे बात का कोई और दूसरा मतलब ना निकाल पाए, जो हमने लिखा है उसका दूसरा पढ़ने वाला वही मतलब समझे जो हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल्स थे गुड राइटिंग के हिल के द्वारा? सबसे पहला था कौन सा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग इज दैट वी शुड राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, लिखना है फर्स्ट प्रिंसिपल का था क्लियरली एंड लॉजिकली लिखना है। सेकंड प्रिंसिपल था कि हमारे को अपनी वोकैबुलरी और पावर ऑफ इम्प्रेशन को ठीक करना है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल था वी शुड हैव वार्म एंड सिंपथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड अस, क्योंकि हमने उनके बारे में लिखना है ना, वो पढ़ेंगे हमारा मटीरियल तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फोर्थ मटीरियल क्या प्रिंसिपल था, गुड राइटर होने के लिए हमें अपने बारे में भूल जाना चाहिए। और फिफ्थ प्रिंसिपल क्या था जो मेन इंपॉर्टेंट है, वी शुडंट कॉपी द स्टाइल ऑफ अदर्स, दूसरे के स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए, बी ओरिजिनल इन आवर सेल्फ। ओके, अब इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिल इज द लिंक बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग। देखो हिल के द्वारा राइटिंग और थिंकिंग में क्या है, देखो जब हम अच्छा सोचेंगे क्लियर सोचेंगे तो क्लियर लिख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिल राइटिंग एंड थिंकिंग जो है वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। वी कांट राइट लॉजिकली एंड क्लियरली अनलेस वी आर एबल टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। वही बात है, अगर आपने चैप्टर को ढंग से समझे क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएंगे वो। द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्लियरली कैन बी डेवलप, कैसे होगी, बाय ट्रेनिंग द माइंड टू फोकस ऑन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे फोकस करके, एंड इट इज समथिंग दैट कैन बी अचीव थ्रू सम प्रैक्टिस। होगी आप इसमें इसके अगर लॉन्ग में आगे तो प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हैं उसके अंदर कि कैसे हम सोचेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज हिल प्रिस्क्रिप्शन फॉर इम्प्रूविंग वंस वोकैबुलरी, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के हिल्स क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। हिल सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आर वोकैबुलरी वी शुड रीड वाइडली, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एंड केयरफुली वी शुड कीप अस विद एक नोटबुक रखते हैं हम अपने पास, इन दिस नोटबुक वी शुड राइट क्या लिखेंगे, एनी न्यू वर्ड्स और इम्प्रेशन दैट कैन अपील टू अस। वी शुड हैव ऑल्सो गुड डिक्शनरी भी होनी चाहिए हमारे पास टू नो एग्जैक्ट मीनिंग एंड यूज अ पर्टिकुलर वर्ड्स, वर्ड्स की बात करे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज असेंशियल टू लर्निंग टू राइट वेल, क्या ऑथर के लिए असेंशियल टू लर्निंग टू राइट वेल। अकॉर्डिंग टू हिल कहते हैं वी लर्न टू राइट बाई राइटिंग, हम लिखते कब हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। वी टू बी एबल टू राइट वेल रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए। इंस्पिरेशन डज प्ले सम पार्ट इन गुड राइटिंग बट हार्डवर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो इंस्पिरेशन, आपको कोई मोटिवेट करा, आप इंस्पायर हो रहे हो किसी चीज़ से, वो ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी जब तक आप खुद हार्डवर्क नहीं करोगे या खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। वी शुड से दैट राइटिंग इज 99% एंड हार्डवर्क एंड 1% इंस्पिरेशन काम करता है। जब तक आप खुद आप यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो सुनते रहो कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे, जब तक आप कॉपी और पेन लेके पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे क्या आप फर्स्ट आ जाओगे एग्ज़ाम में। तो वैसी बात है कि इंस्पिरेशन 1% रोल प्ले कर रहे हैं और हार्डवर्क 99%। इवन विद द मोस्ट, यहाँ ऑथर कहते हैं इवन विद द मोस्ट फेमस जो राइटर्स हैं इंस्पिरेशन इज समथिंग वेरी रेयर है उनके केस में भी, जो हार्डवर्क है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन फोर्थ है, इन हिल्स ओपिनियन हाउ कैन वन बिकम अ सक्सेसफुल राइटर, कैसे बन सकता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A number of things are needed to become a successful writer बनने के लिए, the first important things to be able to, आपने यहाँ इस क्वेश्चन में सारे प्रिंसिपल्स जो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझे वो राइट कर देना है कि हमें थिंक क्लियरली सोचना चाहिए, लॉजिकली वन मस्ट हैव अ गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए, टू एबल टू एक्सप्रेस वन थॉट, थर्ड प्रिंसिपल होनी चाहिए वी मस्ट बिलीव इंटेंसली इन वट वी आर राइटिंग, दूसरों के बारे में रीडर्स के बारे में सोच के लिखना होता है, ओनली देन वी कैन अरोज द इंटरेस्ट, हम जागरूक कर सकेंगे रुचि में रीडर इन आर राइटिंग में। आपने यह प्रिंसिपल लिख लेना और जो प्रिंसिपल रहते हैं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ अ हिल्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज हिल्स सजेशन ऑन चूजिंग अ टॉपिक फॉर राइटिंग, हम टॉपिक कैसे चूज करें लिखने के लिए। हिल सेज दैट मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टिंग इन द प्रेजेंट में इंटरेस्ट करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो दे रीड अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर ओनली इफ इट हैज सम रेलेवेंस टू द प्रेजेंट,
वो कब पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में, जब उनका रेलेवेंस होएगा प्रेजेंट में। सो वी शुड चूज टॉपिक्स और टॉपिकल इंटरेस्ट फॉर आर राइटिंग के बारे में लिखने, हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करना चाहिए। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होगा जो हमारा प्रेजेंट से रिलेट करेगा। जैसे अभी COVID-19 का सिनारियो चल रहा है, अब हम दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि एक ऐसी एपिडेमिक आया था 100 साल पहले भी ऐसी आया था, उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन बनी थी। हम क्यों पढ़ रहे हैं उस एपिडेमिक के बारे में? कोविड की वजह से पढ़ रहे हैं। और फ्यूचर का पढ़ रहे हैं हम कि क्या कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन पे और फ्यूचर इकोनॉमिक्स पे। क्यों? प्रेजेंट टॉपिक क्या है? कोविड है। इसकी वजह से हम उसके फ्यूचर एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हम पास्ट में जो एपिडेमिक हुए थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेलेवेंसी किसकी है, रोल किसका ज़्यादा है रेलेवेंट? प्रेजेंट का। द अदर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट वी कैन राइट कन्विंसिंगली, दूसरों को कन्विंसिंगली हम जब भी लिख सकते हैं ऑन सब्जेक्ट ऑफ विच वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मैंने खुद देखा होगा उस चीज़ को। जैसे मैं लिख सकती हूँ किसके बारे में, डॉरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, अगर मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, मैंने सर्वे करा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, तो जब भी मैं लिख सकती हूँ ना इस बारे में, जब मुझे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल नॉलेज होगी। देयरफॉर वी शुड चूज अ टॉपिक फॉर राइटिंग कीपिंग इन द व्यू ऑफ दीज टू पॉइंट्स, लिखने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज नीडेड टू राइट इंटरेस्टिंगली, हम कैसे राइट करेंगे इंटरेस्टिंगली? टू राइट इंटरेस्टिंगली वी मस्ट आर्सेल बी इंटेंसली इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर राइटिंग, कि हम क्या लिख रहे हैं उस खुद भी इंटरेस्टेड होना चाहिए जो हम चीज़ लिख रहे हैं। वी मस्ट बिलीव इंटेंसली इन व्हाट वी आर राइटिंग, वी कांट अरोज द रीडर, जब तक हम रीडर्स का इंटरेस्ट नहीं पैदा कर सकते अपने राइटिंग में, जब तक हम ही फील्स दैट वी आर सेल आर इंटरेस्टिंग इन व्हाट वी आर सेइंग, जब तक हम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं उस टॉपिक में। मेरे को कोई कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे आपने लिखना, मुझे, मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे लिखने के लिए, तो रीडर्स को क्या इंटरेस्ट मैं पैदा करूँगी, कैसे वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी? देखो, है ना। क्वेश्चन 7 है, व्हाइल राइटिंग व्हाट शुड वन डू इफ वन कांट थिंक ऑफ द राइट वर्ड एट वंस, यहाँ ऑथर कह रहा है कि अगर हमारे को लिखते समय वो राइट वर्ड का ध्यान नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? इफ वी कांट थिंक ऑफ द राइट वर्ड एट वंस वी शुड पुट इन अनदर वर्ड और लीव अ ब्लैंक, उसकी जगह आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कुछ अदर वर्ड भी लिख सकते हो। दस आर फ्लो ऑफ थॉट विल नॉट बी इंटरप्टेड, इससे जो हमारा जो फ्लो ऑफ थॉट है, सोचने की प्रक्रिया है, वो इंटरप्ट नहीं होगी। देन When we have finished, जब खत्म कर देंगे अपना राइटिंग मटीरियल को, वी कैन गो बैक एंड फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड फॉर वट वी आर ट्राइंग टू से, हम क्या कहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर राइटिंग वट शुड वन डू टू मेक इट बेटर, कैसे हम बेटर कर सकते हैं? वी शुड रीड आर वर्क क्रिटिकली, हम क्रिटिकली रीड कर सकते हैं आफ्टर वी हैव फिनिश्ड इट, खत्म करने के बाद। इफ देयर इज एनी वीक वेग और इन एग्जैक्ट वर्ड है, वी शुड पुट द एग्जैक्ट वर्ड उसकी जगह प्लेस पर रख सकते हैं। आर वर्ड शुड से एग्जैक्टली वट वी मीन टू से, जो हम कहना चाहते हैं वही लिखा होना चाहिए वहाँ। एंड फॉर दैट वी मस्ट आर सेल बी वेरी क्लियर अबाउट वट वी आर राइटिंग, कि हम क्या लिख रहे हैं। अब वेक पीस ऑफ मटीरियल कैन नेवर विन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, हमने यहाँ मटीरियल को लिखना है इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट के बारे में सोच के, अपने इंटरेस्ट के बारे में एज वेल एज द रीडर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरे को खुद इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक को लिखने के बारे में, तो मैं रीडर्स का इंटरेस्ट भी अरोज नहीं कर सकती, हमें रीडर्स के बारे में सोच के लिखना होता है। यहाँ टाइप 2 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, समराइज हिल्स व्यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग, जो है प्रिंसिपल्स पे हिल्स के व्यूज को समराइज करो। कि जैसे कि फर्स्ट आप लिख सकते हैं, वी मस्ट राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, वी मस्ट इंक्रीज आवर वोकैबुलरी, वी लर्न टू राइट बाय राइटिंग, प्रैक्टिस की बात करी गई है यहाँ। ठीक है, वी शुड रीड द न्यूज़पेपर को क्लियरफुली पढ़ना होता है हमारे को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूज़पेपर को आप रीड करो। वी शुड कीप आर आइज ओपन, वी शुड डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स में, इट विल गिव्स अस न्यू आइडियाज फॉर आर राइटिंग के लिए। वी शुड राइट इंटरेस्टिंगली लिखना चाहिए। ठीक है, वी शुड चूज सब्जेक्ट और टॉपिकल इंटरेस्ट का प्रेजेंट रेलेवेंस होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मैटर शुड बी नीड टू द पॉइंट एंड लॉजिकल होना चाहिए। वी शुड बी इंटेंसली इंटरेस्टिंग इन वट वी आर स्ट्रांगली बिलीव, जिस पे हम बिलीव करते हैं उसके बारे में हम लिखें। वी शुड नेवर फोर्स अपॉन द रीडर,
हमारा अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम्स के बारे में ना लिखने लग जाओ, हम रीडर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के लिखना, रीडर्स के बारे में सोच के लिखना। मेन हमारा जो स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, कि जैसे हम किससे बात कर रहे हैं, किसी को अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, वैसे हम लिख सकें। वी शुड यूज़ द सेम स्टाइल थ्रू आउट। एक स्टाइल को आपने फोकस में रखना है। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में जो स्टाइल अडॉप्ट करा है लिखने का कन्वर्सेशन, वैसे आपका लास्ट पैरा और कंक्लूजन भी वैसे ही होना चाहिए। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बाय अस शुड मीन एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू से। जैसा हम कहना चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन इन राइटिंग। जो प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है राइटिंग में, हाउ कैन वन प्रेजेंट वन राइटिंग इन एन इंटरेस्टिंग मैनर में, कैसे वो प्रेजेंट कर सकता है। देखो, इट इज़ द प्रेजेंटेशन अलोन जो रीडर का इंटरेस्ट अरोज करेगी पीस ऑफ राइटिंग में। कोई भी सब्जेक्ट हो, हाउएवर गुड और इंटरेस्टिंग, कैन इम्प्रेस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन नीट लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट होना चाहिए। देयरफॉर द राइटिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ क्लियर सिंपल ग्रेडेड मैनर में राइटिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। जो ओपनिंग पैराग्राफ है, जो हमारा ओपनिंग जिसे हम शुरू कर रहे हैं, शुड बी एट वंस अरेस्ट द रीडर्स अटेंशन। अगर आपने फर्स्ट टू लाइन्स ही अच्छी नहीं लिखी तो आपका जैसे कि कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो रीडर्स की अटेंशन को हमने ग्रैप करना है नीट प्रेजेंटेबल मटीरियल देके। इट शुड शो द रीडर वट वी आर राइटिंग अबाउट, कि हम किस बारे में लिखना चाहते हैं। इट शुड टेल हमारा द सब्जेक्ट क्या डील करेंगे आगे हम। जो मेन बॉडी हमारी राइटिंग की शुड बी टुगेदर एंड प्रेजेंट द आइडियाज टेकन अप इन अ फर्स्ट पैराग्राफ। जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में चीज़ शुरू करी है उसी हम मेन बॉडी में उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में ब्रिंगिंग द राइटिंग टू अ नीड सेटिस्फाइंग हमने एंड देना है। इट शुड लीव द रीडर विद अ क्लियर आइडिया देना है हमने रीडर्स को वट वी हैव बिन सेइंग। हम क्या कह रहे थे फर्स्ट पैराग्राफ से लेके एंड पैराग्राफ तक। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट गाइडलाइन शुड वन फॉलो टू राइट वेल, कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ये पूरा वही चैप्टर को रिपीट करेंगे, वही प्रिंसिपल्स को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है समराइज द हिल व्यूज वाला, वो इसके अंदर ऐड होना चाहिए, आ जाएगा सारा, कि हमें थिंक क्लियरली करेंगे, लॉजिकली हमारे को अपना माइंड को ट्रेन करना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में सोच के, वोकैबुलरी हमने अपनी इम्प्रूव करनी है, हमने अपनी ईयर्स और आइज़ को ओपन रखना है। देखो वही चीज़ें हैं सारी रिपीट, जो फर्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर को ही समराइज कर रखा है इस आंसर में। इट विल हेल्प टू राइट कन्विंसली विद अ ग्रेट अथॉरिटी के साथ। देखो उसमें सारा जो इस क्वेश्चन के अंदर ना गाइडलाइंस वाले में पूरा चैप्टर को ही आपने समराइज कर देना, अगर जितना आपको समझ आया चैप्टर। इसमें देखो ये वाला आंसर भी आ रहा, लास्ट पैराग्राफ में हम क्या ऐड करेंगे फर्स्ट में, देखो लास्ट पैराग्राफ शुड लीव द रीडर्स नो डाउट, पूरा वही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन फोर है, व्हाट शुड वन अवॉइड इन गुड राइटिंग, में क्या नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए लिखते समय। द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड इन गुड राइटिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं लिखना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच के लिखना, अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम्स को नहीं अपने राइटिंग मटीरियल में ऐड करना है। वी शुड नेवर ट्राई टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द रीडर, इंप्रेशन नहीं झाड़ना रीडर्स पे। फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ, थिंक ओनली ऑफ द रीडर्स के बारे में सोचना है, ठीक है। वी शुड नेवर फोर्स अपॉन द रीडर अपनी प्राइवेट, देखो ना यहाँ फॉर अपने बारे में नहीं सोचना है, अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम्स को नहीं लिखना है, ठीक है। आर स्टाइल सिंपल और कन्वर्सेशनल होना चाहिए, हमारा स्टाइल होना चाहिए नेचुरल स्टाइल मिक्स होना चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग फॉर्मली अगर लिख रहे हैं, वी शुड नॉट यूज स्लैंग। जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, हम किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम स्लैंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे उसके अंदर, या हो गया कुछ भी, येस लिखेंगे हम, ठीक है, नॉट यूज़ एनी स्लैंग। एंड इफ अगर हम कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिख रहे हैं, वी शुड नॉट यू लिटरेरी और लर्न वर्ड्स, नहीं हम लिटरेरी वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही है कि क्या करना चाहिए राइटिंग करते हुए, क्या नहीं करना चाहिए। अब है राइटिंग इज़ 99% हार्डवर्क होता है और 1% इंस्पिरेशन है। कैसे, कि अगर हम खुद हार्डवर्क नहीं करेंगे, अगर मैं इंस्पायर करती रहूँ, चार यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए और मैं उनके बैठ के इंस्पायर करती रहूँ, तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो, पर वो पढ़े ही ना, उन्होंने बुक्स ही नहीं खोली हैं, तो वो क्या कर सकेंगे। तो वो कहते हैं जो राइटिंग है लिखने जैसी, लिखने की जो प्रैक्टिस है, वो 99% हमारा हार्डवर्क ही वर्क करता है, सिर्फ 1% इंस्पिरेशन को हम क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। जब तक आप खुद काम नहीं करना चाहोगे, नथिंग ग्रेट एंड वर्थ वाइल हैज़ एवर बीन अचीव विदाउट हार्डवर्क। देखो कुछ भी अच्छा और कुछ भी वर्थ जो होता है, जिसकी वैल्यू हम करते हैं, हैज़ बीन अचीव कैसे होता है, हार्डवर्क के साथ ही अचीव होता है। विदाउट हार्डवर्क तो कुछ चीज़ अचीव नहीं होती है। एंड गुड राइटिंग इज़ नो एक्सेप्शन, इसकी कोई अपवाद नहीं है, इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। गुड राइटिंग इज़ नो एक्सेप्शंस है उसकी। इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट वेल, अगर आपने अच्छी तरह लिखना है, वन हैज़ टू पुट इन रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वन कैन बिकम अ गुड राइटर, गुड राइटर कब बन सकता है एक इंसान? ओनली नाउ एंड देन। अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट होएगा उसका, हैज़ टू बी पुट इन बिफोर वन कैन बी सेट टू बी अ गुड राइटर। वन हैज़ टू इनरिच अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करे, अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करे, अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को इम्प्रूव करे, वो कैसे लिखना चाहता है, अपने वे ऑफ मटीरियल को, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करे वो, ठीक है। जैसे कैसे, बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, पढ़े न्यूज़पेपर, पढ़े मैगजीन। वन हैज़ टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। दस अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन हैज़ टू बी मेड, होनी चाहिए टू बिकम अ गुड राइटर बनने के लिए। एंड इवन आफ्टर वन हैज़ लर्न इन सब चीज़, बेसिक चीज़ें पता होने के बावजूद, वन कांट जस्ट सिट डाउन, टेक अप अ पेन एंड बिकम अ गुड राइटर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वी लर्न टू राइट बाय राइटिंग, हमें लिखते रहना चाहिए। हमें देखो, यहाँ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ऑथर। इट इज़ नो गुड टू वेट फॉर एन इंस्पिरेशन, हमें इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना होता है। इवन विद मोस्ट फेमस राइटर जो कहते हैं, इंस्पिरेशन रेयर है, रेयर चीज़ है इंस्पिरेशन। राइटिंग क्या है, 99% हमारा हार्डवर्क होता है राइटिंग के अंदर, सिर्फ 1% इंस्पिरेशन यूज़ करती है। सो वी मस्ट गेट इन टू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, हमने लिखना की आदत डालनी होगी। द सूनर वी बिगन दिस हैबिट, जितनी जल्दी हम इस हैबिट को शुरू कर लेंगे द बेटर इट विल बी, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे डेवलप करनी है उस प्रैक्टिस को, कैसे हमने फ्रीक्वेंट को, हमने फ्लो को बनाए रखना है कि रीडर का इंटरेस्ट भी रोज होए, ठीक है। ये हमने इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।